रानू मंडल पर बनेगी बायोपिक, इस नेशन अवार्ड विनर एक प्रेस को मिला ऑफर। लता मंगेशकर के गाने एक प्यार का नगमा है से रातों रात स्टार बनी रानू मंडल मौजूदा समय में इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी हैं। रानू का नाम हर जगह छाया हुआ है। आज रानू देश भर में फेमस हैं। हर कोई रानू की सुरीली आवाज और गायकी का कायल हो चुका है। कोलकाता के स्टेशन पर गाने वाली रानू की जिंदगी आज पूरी तरह से बदल चुकी है। रानू की जिंदगी से इंस्पायर फिल्म मेकर ऋषिकेश मंडल उनके जीवन पर बायोपिक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबरों की माने तो रानू मंडल पर बनने जा रही बायोपिक में नेशनल अवार्ड विनर अभिनेत्री उनका किरदार निभाती नजर आएंगी। सुदीप्ता ने INS को दिए इंटरव्यू में बताया, उन्हें फिल्म ऑफर हुई है। हालांकि मुझे अभी तक फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं मिली है। मैंने यह फैसला किया है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही यह किरदार निभाऊंगी। बता दें कि पत्रकार से फिल्म मेकर बने ऋषिकेश मंडल फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का नाम प्लेटफॉर्म सिंगर रानू मंडल होगा, जिसमें रानू मंडल की वेस्ट बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन से बॉलीवुड तक का सफर दिखाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सुदीप्ता चक्रवर्ती को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक हाँ नहीं की है। मुझे लगता है अगर कोई रानू मंडल के किरदार को परफेक्शन के साथ निभा सकता है तो वे सुदीप्ता दी हैं। वह एक शानदार एक्ट्रेस हैं। बता दें कि रानू मंडल ने बहुत तंगी में जिंदगी गुजारी है, लेकिन उनके हुनर ने आज उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया है। रानू मंडल देश की कई महिलाओं के लिए एक मिसाल है। रानू मंडल इंस्पायरिंग जर्नी को ऋषिकेश पर्दे पर उतारना चाहते हैं। साथ ही उन्हें लगता है कि रानू मंडल के जीवन पर फिल्म बनाने का यह सही समय है, क्योंकि लोग उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। बता दें कि फिल्म के मेकर्स ने रानू को फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए भी अप्रोच किया है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी फाइल नहीं हुआ है। फिल्म के बारे में बात करते हुए ऋषिकेश ने कहा, अगर सुदीप्ता फिल्म करने के लिए तैयार हो जाती है तो फिल्म की बाकी की कास्ट भी जल्दी फाइनल हो जाएगी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर के आखिर में शुरू हो सकती है।